बिहार की राजधानी में विपक्षी दलों की बैठक अब 27 जून को होगी, जो कि 12 जून को होने वाली थी। 7 जून को जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने यह जानकारी दी है। अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कहा कि इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे और इनके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, जेके स्टालिन, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इन सब की सहमति से बैठक की तारीख तय हुई है। ललन सिंह ने कहा कि बैठक में लेफ्ट के नेता भी शामिल होते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नाम शामिल हैं। अब आप समझिए कि ये जो बैठक थी, इसकी चर्चा इतने दिनों से क्यों हो रही थी। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर वो उपस्थित नहीं थे इस बैठक में, इसलिए इस बैठक को आगे बढ़ाया गया। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को इस बैठक का हिस्सा बनाना चाहती है या नहीं, ये तमाम बातें क्या हैं और इनसे जुड़ा हुआ जो भी तर्क है या जो भी चर्चाएं इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं, वो सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। इस बैठक की चर्चा काफी दिनों से हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले क्या सभी दल साथ आएंगे, इस लिहाज से ये बैठक काफी अहम है। इस मीटिंग में राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, लेकिन क्या यूपी में इन दोनों दलों का गठबंधन होगा, ये और ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि फिलहाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। यूपी में विपक्षी दलों में सामाजिक पार्टी दूसरे दलों के मुकाबले खासा मजबूत है। कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के बाद से विधानसभा में भी निराशाजनक था। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कोई गठबंधन होगा। यूपी की राजनीति को करीब से देखने वाले ये मानते हैं कि गठबंधन तो संभव है, लेकिन बात अटकेगी सीटों पर आकर। कांग्रेस के मुकाबले प्रदेश में कहीं ज्यादा मजबूत समाजवादी पार्टी का कुनबा है, क्या ये सीटों की कुर्बानी देगी, बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस को जो सीटें ऑफर की जाती हैं, क्या वो उसे लेकर चुप हो जाएगी या उस पर रार होगी, काफी सारे सवाल हैं लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने को लेकर। इधर कर्नाटक जीत के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सुर कांग्रेस को लेकर बदला है, लेकिन इनके साथ भी सवाल बहुत सारे जुड़े हैं। ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है वहां वो लड़े, और उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया और बताया कि करीब 200 सीटें ऐसी हैं जिसके साथ ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में वहां गठबंधन की अगुवाई अखिलेश करें और सभी अपनी अपनी जगह काम करें और कांग्रेस की कुर्बानी देनी होगी इस तरह की। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी 200-250 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, ये वो तय कर चुकी है। इधर ममता बनर्जी के फॉर्मूले पर गौर करें तो इस लिहाज से यूपी में कांग्रेस के खाते में 10 सीटें आनी भी मुश्किल है, क्योंकि ये 200 सीटों के आसपास लड़ने की बात हो रही है। इधर यूपी में कांग्रेस, सपा और आरएलडी के बीच कोई गठबंधन होता है तो अखिलेश चाहते हैं कि सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला उनका हो। आप समझिए, ये वही वाली स्थिति है जो 2019 में बनी थी कि विपक्षी एकता एक साथ एक मंच पर हाथ उठाते तो दिखाई पड़े, लेकिन चुनाव आते आते तक सबकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी कि सब अलग थलग दिखाई पड़े। अखिलेश आसानी से कांग्रेस की कोई बात मान जाएंगे ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। 2017 के अगर विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था तो ऐसी ही स्थिति थी, और गठबंधन की हार के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हमने जरूरत से ज्यादा सीटें समझौते में कांग्रेस को दे दी, इसलिए यह स्थिति हुई। कांग्रेस के लिए यही स्थिति, सेम स्थिति बिहार में भी है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि जो बात वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी ऐसा ही चाहती हैं सीटों के बंटवारे को लेकर, इसका मतलब यह है कि गठबंधन करना है तो सपा की ही चलेगी, कहीं ना कहीं फैसला कांग्रेस को करना है। कर्नाटक जीत के बाद वो विपक्ष की धुरी बनना चाहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी है और यूपी जैसे बड़े राज्य में भी वो अधिक सीटें चाहेंगे, ऐसा सूत्र भी कह रहे हैं। ऐसे में पटना की बैठक में क्या कुछ होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अनुपस्थिति के चलते इस बैठक को थोड़ा सा बढ़ाया गया था। हालांकि जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच अगर कहा जाए तो बहुत कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अध्यादेश के मामले पर जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन राज्यसभा में मांग रहे थे तो कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया था, जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने कुछ जगहों पर जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारकर उनकी सीटें काटी हैं, उस लिहाज से वो ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से वो दूर रहे। लेकिन अब विपक्षी एकता की जब बात होगी, प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट खड़े रहने की बात होगी, भाजपा को हराने की बात होगी, तब
विपक्षी एकता के एक छाते के नीचे कौन कौन आता है ये देखने वाली बात होगी और ये सारी तस्वीर साफ होगी 22 जून को होने वाली पटना की इस बैठक के बाद।